और गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को मथुरा जा रहे हैं, जहां से वो बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देंगे। मिशन यूपी पर जुटी बीजेपी अब मथुरा को भी चुनावी मुद्दा बना सकती है। दो खबरों से तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। पहली खबर ये कि 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह मथुरा के दौरे पर जा रहे हैं। मथुरा में चुनावी रणनीति को धार दे सकते हैं बीजेपी के चाणक्य। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा के विकास को लेकर बीजेपी का प्लान सबके सामने रख चुके हैं। दूसरी खबर ये है कि यूपी के संकल्प पत्र में बीजेपी मथुरा का सांकेतिक प्रयोग करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का संकल्प होगा। अब आपको बताते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद क्या है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर को तुड़वा दिया था। भव्यता से चिढ़कर इसे तुड़वाया गया था और यहाँ ईदगाह का निर्माण कराया गया था। इसी ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली उसी ढांचे के नीचे है। कहा जाता है कि 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन वाराणसी के हिंदू राजा को सौंप दी थी। इसके बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी बनाया गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।